हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे और हम लोग भी बढ़िया हैं। तो आज मैं एक और वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए, और बहुत ही अच्छी वीडियो है, बहुत ही शानदार वीडियो है। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप अपने घर पे ये सब चीज़ कर सकते हैं। वो स्किन केयर से रिलेटेड है, तो उसमें क्या किया जाएगा, उसमें फेशियल किया जाएगा। स्टेप बाय स्टेप फेशियल कैसे करना है वो आपको दिखाऊंगी, ठीक है? और बहुत ही ईजी वे में दिखाऊंगी कि किस तरह से करना है। आपको एक एक प्रोडक्ट का बताऊंगी कि किससे कौन सा प्रोडक्ट कब लगाना है। तो आपने बहुत ध्यान से देखना है इस वीडियो को, वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो को देखना है। और जो लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? तो चलिए मेरे साथ, किस तरह से किया जाए फेशियल वो आप सबने देखना है, ठीक? चलिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या है ना, आपको अपने फेशियल करने से पहले आपको अपना मेकअप रिमूव करना चाहिए। जो आपने काजल लगाया है या लाइनर लगाया हुआ है, जो भी आपने मेकअप लगाया, लिपस्टिक वगैरह जो भी है, तो आपने पहले उसको रिमूव कर देना है, ठीक है? फेस आपका क्लीन होना चाहिए एकदम, उसमें मेकअप नहीं होना चाहिए। और अपने बालों को कवर कर देना है, जैसे मैंने कर रखे हैं अपने बाल, ठीक है? और अपने क्या करना है, जो फेशियल करना है उसको अपनी स्किन के अकॉर्डिंग फेशियल किट लेनी है। ऐसे नहीं लेना कि कोई भी उठा के ले लिया, गोल्ड फेशियल है या कोई भी डायमंड फेशियल है, आपने जो नाम सुना हुआ आप उठा के वो ले लोगे, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको पता होना चाहिए आपकी स्किन कैसी है, नॉर्मल स्किन है कि ऑयली स्किन है, कि मतलब कि ड्राई स्किन है, कैसी है, सेंसिटिव स्किन है, उसके अकॉर्डिंग ही आपने अपना फेशियल किट लेना है, ठीक है? तो आप उसको देख के तभी ले सकते हो, ऐसे भी कोई भी उठा के ऐसे नहीं ले लेना, ठीक है? इस चीज़ का आपने जरूर ध्यान रखना है, ठीक है? और तो सबसे पहले हम करेंगे क्लिंजर। तो मैंने क्लिंजर ले लिया, इसकी क्रीम ले ली है क्लिंजर की, तो ये क्लिंजिंग मिल्क है, तो इसको हम अपने फेस पे लगा लेंगे पहले इस तरह से। और नेक पे भी लगा लेंगे, और हम पानी का एक ऐसे ले लेंगे, पानी का, पानी का टच लेके फिर उसको ऐसे स्प्रेड करेंगे हम अपने पूरे फेस पर। पानी का टच हम क्यों लेते हैं, ताकि क्लींजिंग मिल्क जो है वो हमारे फेस के अंदर ना एब्जॉर्ब हो जाए, हमारी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब ना हो जाए, ये बाहर आए, ये हमारी स्किन को क्लीन करे। इसके लिए हमें क्या है, पानी का टच लेते जाना है, स्प्रेड करते जाना है, और इसको हम ऐसे ही मसाज करते जाना है। आप चाहो तो उसके बैक साइड, बैक साइड होता है, उसमें भी कर सकते हो। इसको हम क्लीन कर लेंगे, तो ये जो हमने कोशिश करना है वो हमें करना है 2 से 3 मिनट का क्लीन कर। सेकेंड स्टेप हमारा है स्क्रबिंग का, तो हमें स्क्रब ले लिया, ठीक है? अब स्क्रब करेंगे, और उसी तरह से हमें इसको क्या करना है, ऐसे स्किन में स्प्रेड करना है। जो स्क्रबिंग होता है, स्क्रब होता है वो क्या है, 2 तरह के आते हैं, ग्रेनुलर एक नॉन ग्रेनुलर। मतलब कि ग्रेनुलर होता है जिसमें दाने दाने से होते हैं, जो कि ऐसे जिसमें दाने छोटे छोटे से दाने होते हैं, ये हमारी स्किन में लगते हैं ऐसे ऐसे करके। और जो नॉन ग्रेनुलर होते हैं उसमें क्या होता है, दाने नहीं होते हैं, तो उसमें दाने नहीं होते, वो जेल बेस में होता है। और जैसे किसी की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है तो वो उसको यूज़ कर सकते हैं।
बस इसमें भी पानी का टच ही लेना है हमने ऐसे, और हल्के हाथ से करना है, ज़्यादा जोर से नहीं करना है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे से दाने हैं ना, ग्रैनुल हैं जो हमारी स्किन को लगते हैं, तो हमने इसको हल्के हाथों से करना है ताकि हमारी स्किन को भी कोई नुकसान ना हो और जो हमारी डेड स्किन है वो रिमूव हो जाए बहुत आराम से, हो कोई नुकसान ना हो। जोर जोर से हमें इसको रगड़ना नहीं है, लोग क्या करते हैं फेशियल करते हैं बहुत ज़्यादा जोर जोर से इतना रगड़ते हैं, उनको ये नहीं पता था कि हमारी स्किन कितनी सेंसिटिव होती है, इसको इतने ज़्यादा से हमें रब नहीं करना चाहिए, इससे हमारी स्किन को नुकसान ही होता है, इससे क्या बहुत हल्के हाथ से करना है। बस 2 मिनट तक हमने स्क्रबिंग करनी है, उससे ज़्यादा नहीं करनी। इसको भी क्लीन कर लेंगे हम गीले कपड़े से या गीले स्पून से। और फ्रेंड्स स्क्रबिंग के बाद क्या करेंगे हम लोग, जैसे कि हमारे क्या होता है ब्लैक हेड्स होते हैं, वाइट हेड्स होते हैं, नोज़ पे होते हैं, हमारी चेन में होते हैं, तो स्क्रबिंग के बाद ही इसको किया जाता है। तो आप क्या मेरे पास क्या एक्सट्रैक्टर है, इससे क्लीन किया जाता है। अगर आपके पास ये नहीं है अवेलेबल घर पर, तो आप क्या कर सकते हो इस तरह की कोई ना मतलब कि जो हेयर पिन होती है वो ले सकते हो, तो उससे क्या कर सकते हो आप इस तरह मतलब अगर एकदम टाइट से करना है अपनी नोज़ को क्लीन कर सकते हो। मेरे तो इतने हैं नहीं, लेकिन जिनकी ऑयली स्किन होती है तो उनके बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो इस तरह से क्लीन कर सकते हो। अगर आप आपके पास ये एक्सेक्टर नहीं है तो आप इससे कर सकते हो इस तरह से, तो इससे भी अच्छे से क्लीन हो जाता है इस तरह से। तो मैंने सोचा चलो आपको बता देती हूँ कि किस तरह से इसको क्लीन किया जाए, तो ऐसे कर सकते हैं। और उसके बाद क्या करना है हमें, स्क्रबिंग के बाद रिमूव करने के बाद हमने क्या करना है, जो ब्लैक हेड्स वगैरह रिमूव करने के बाद, उसके बाद हम क्या करेंगे टोनिंग करेंगे। तो हमने क्या करना है, अगर हमारी स्किन नॉर्मल है ड्राई स्किन है तो हम क्या करेंगे रोज़ वाटर ले लेंगे, रोज़ वाटर से करेंगे। अगर आपकी स्किन में क्या है ऑयली स्किन है, बहुत ज़्यादा ऑयल निकलता है, तो आपने क्या करना है एस्ट्रेजेंट होता है वो लेना है और उससे आपने क्या करना है टोनिंग करना है। ये आप क्या कर सकते हो, फिटकरी का पानी है लेके फिटकरी को पानी में डाल दिया, उससे अपना फेस वॉश कर लेना मतलब पानी से कर सकते हो, कॉटन से भी कर सकते हो, तो वो काफ़ी बढ़िया होता है टोनिंग के लिए। उनके पिंपल वगैरह आते हैं तो उनके पिंपल भी दूर हो जाते हैं इससे। तो स्क्रबिंग के बाद हमने टोनिंग करनी है, ये थर्ड स्टेप। I'm falling, it's worth every second for you. I'm chasing, I'm climbing, I'm searching, I'm falling, it's worth every second for you. टोनिंग क्यों करनी है, टोनिंग इसलिए करते हैं क्योंकि स्क्रबिंग के बाद क्या हमारी स्किन के पोर्स हैं वो ओपन हो जाते हैं, तो उनको ओपन होने के बाद क्या हमको बंद करना पड़ता है, तो हम उसको बंद नहीं करेंगे। तो उसको बंद किससे करेंगे, हम रोज वाटर से टोनिंग से करेंगे। अगर हम उसको बंद नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, जो डस्ट होती है वो हमारे क्या है जो पोर्स होते हैं वो चली जाएगी, उससे हमारे हमारे क्या टोनिंग से हो जाएगी।
कॉन्वर्सेशन से इसको स्प्रेड करने का मसाज करेंगे हम। मसाज के अगर आपको ज़्यादा स्टेप नहीं आते तो आप क्या कर सकते हैं, दो तीन स्टेप ही हैं उनको याद करना है और उसके अकॉर्डिंग ही आपने मसाज करते जाना है। मसाज का मतलब होता है कि हमने जो स्किन में जो ये क्रीम लगा रहे हैं उसको क्या एब्जॉर्ब होना चाहिए, हमारी स्किन से सॉफ्ट होगी एकदम, जो हमारी जो डेड स्किन निकल रही है तो उसके बाद क्या मसाज हो जाएगी, उससे रिलैक्स मिलेगा और हमारी एक अच्छी स्किन आएगी, हमारी स्किन में जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने का काम करेगी। जैसे ड्राई स्किन होती है तो उनकी ड्राई स्किन को मतलब कि मॉइस्चराइजर मिल जाता है, बहुत ही स्किन को क्या करता है ग्लो देता है। और इस तरह से स्टेप करना है हमने अपने नेक पे, क्योंकि जो हमारी स्किन है वो लूज़ हो जाती है जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, तो हमें क्या करना है स्किन को ऊपर करने के लिए यहाँ पर क्रीम लगा के इस तरह से मसाज करनी है। इस तरह से हमने क्या करना है सारे स्टेप को दोहराना है, मतलब रिपीट करते जाना है और तीन टाइम में हमने थ्री थ्री टाइम पे ये स्टेप को रिपीट करना है, ठीक है। तो इससे क्या होता है हमारी जो स्किन के जितने भी फीचर्स हैं ना उनमें हमने मसाज करनी है, जिससे क्या कि हमारे फेस को एकदम रिलैक्स मिले, ठीक है। तो ये होता है मसाज का एक बोलते कि फ़ायदा बेनिफिट होता है इसका, तो इसको इस तरह से करना चाहिए। तो जितने भी जो स्टेप बताए हैं मैंने आपको वो अपने थ्री थ्री टाइम करने हैं। और हम क्या करेंगे अब एक बार और लेंगे क्रीम, क्योंकि स्किन ने सारी जो क्रीम है वो एब्जॉर्ब कर ली है, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन क्या है क्रीम को काफ़ी मतलब अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, तो मेरे को सेकेंड टाइम लगाने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स मैंने क्रीम भी ले ली है और इसके साथ क्या लिया है मैंने विटामिन ई का कैप्सूल ले लिया है, क्योंकि मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई है तो मेरे को विटामिन ई इसकी कैप्सूल डालने की ज़रूरत है, तो मैं इसमें डालूंगी। तो मैंने एक पहले डाल दिया था, एक मैं आपके सामने डाल देती हूँ, तो ये दो हो गए। अब इसको मिक्स कर लेंगे हम, देखिए। और मिक्स करने के बाद इसको फिर से हम अपने फेस पर लगा लेंगे। इसी तरह से हम इसको नेक पे भी लगा लेंगे। उसकी बैक साइड में हम मसाज कर लेंगे तो बहुत ही ज्यादा रिलैक्स मिलता है हमको यहाँ पर। तो यहाँ पर मसाज करने से क्या है ना हमारी पूरी जो भी इतना हमारा मतलब फेस है, हेड है, तो उसमें बहुत ही रिलैक्स मिलता है, हमारे ब्रेन को भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है।
तो यहाँ पर आप जब करोगे फेशियल तो यहाँ पर जरूर मसाज करना। और फ्रेंड्स, अपने मसाज करने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमारा फिफ्थ स्टेप है वो है जेल का। तो हमने जेल लगाना है, जो भी हमारी हीट हुई है हमारे फेस पे मसाज करने से, तो उसको क्या कहते हैं, मतलब बंद करने का काम करेगा ये। तो हमारे को रिलैक्स मिलेगा, इससे ठंडक मिलेगी स्किन में, तो अब हम जेल लगाएंगे। मसाज करने से जो भी हीट जनरेट होती है ना, तो उसको रिलैक्स करने के बाद, रिलैक्स करने के लिए हम जेल लगाते हैं। और जेल से क्या होता है, जेल को लगाने से हमारी जो स्किन में प्रॉब्लम होती है, स्किन में जो भी मतलब जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम है, आपको पिंपल होते हैं, उनके निशान पड़े होते हैं, और डार्क सर्कल हो गए, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसको सॉल्व करने का काम करता है ये, रिपेयर करता है हमारी स्किन को। जैसे झुर्रियाँ पड़ी होती हैं तो उनको भी मतलब कि दूर करने का काम करता है जेल। और फ्रेंड्स, मसाज करने का टाइमिंग हमारी 5 से 7 मिनट तक ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है हमारे फेस पे, ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है बहुत ही ज़्यादा, तो वो भी ठीक नहीं है हमारी स्किन के लिए। तो हमने क्या है, 5 से 7 मिनट ही मसाज करनी है, ज़्यादा मसाज भी नहीं करनी है। और जेल को लगाने के मतलब स्किन बहुत ही ज़्यादा मतलब ठंडक मिल रही है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिल रहा है इसको लगाने से। फ्रेंड्स, अब हम लास्ट स्टेप करेंगे, वो हम करेंगे पैक लगाएंगे। तो ये मैंने पैक डाल दिया एक बाउल में थोड़ा सा, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, रोज़ वाटर मिक्स कर लेंगे। उसको टाइट करने का काम करता है, रिलैक्स मिलता है, जो भी हमने फेशियल किया है, जितने भी इतने सारे स्टेप किए हैं, उसके बाद के लास्ट में बहुत ज़्यादा रिलैक्स की ज़रूरत होती है, तो हमारी स्किन को ये रिलैक्स करता है, और साथ ही हमारी स्किन की जो झुर्रियाँ वगैरह हैं उनको, उनकी प्रॉब्लम को दूर करने का काम करता है। ठीक है, लास्ट में इसको लगाना है हमने पैक लगा के, उसके बाद में मैं बात नहीं करूँगी आपसे कि मुझे एक रिलैक्स की ज़रूरत होती है इस टाइम पर। तो क्या करना है, स्किन को रिलैक्स करने के लिए हम पैक लगाएंगे, और मतलब इसको पैक लगाने की जो हमारी टाइमिंग होगी उसको लगा के रखना है हमने, मतलब कि 10 मिनट तक हम इसको लगा के रखना है। उसके बाद ये ड्राई हो जाएगा, तो उसको हम क्या करेंगे, वॉश करेंगे, रिमूव करेंगे। ठीक है, तो इसको लगा लेते हैं, तो इसको ऊपर की तरफ लगाना है हमने इसे।
सो फ्रेंड्स, मैं वॉश करके आ गई हूँ। तो पैक लगाने के बाद, उसके बाद मैं वॉश कर लिया था 10 मिनट बाद। तो फेस में ग्लो तो मतलब आएगा, एक वन डे बाद आता है ना, तो एकदम से नहीं आता। तो वैसे तो मतलब ठीक है, स्किन मतलब क्लीन हो चुकी है और आप देख भी सकते हो। तो उसके बाद ही मतलब ग्लो आएगा, तो एक दिन बाद ही आएगा। तो आप लोग इस फेशियल को जरूर करना स्टेप बाय स्टेप। और मैंने आपको बता भी दिया कि किससे क्या चीज़ होती है, किससे क्या फ़ायदा होता है। तो आप लोगों को इतनी नॉलेज भी मिल चुकी है इस सब चीज़ों से। तो आप लोग ज़रूर मतलब इसको करना घर पे, और आपके पैसे भी बचेंगे। आप लोग बाहर जाते हो ये सब करवाने के लिए, तो आप घर पे भी कर सकते हो। कई लेडीज़ मुझे बोलती हैं कि फेशियल कैसे किया जाए और घर पे कैसे किया जाए, मतलब कैसे हम इसको करना है, स्टेप कैसे करने हैं, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। तो अब मैंने इसमें बता ही दिया आपको। तो बहुत ही ईजी स्टेप होते हैं, तो आप लोग अपने आप घर पे कर सकते हो। तो ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।